तो ये है एटिक्स, ड्यूप्लेक्स रूम है इसमें। तो ये है पॉट जो कपल के लिए है। तो ये देख रहे हो, ये ऊपर है ट्री हाउस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक खूबसूरत रिसॉर्ट दिखाने के लिए आए, जो कि है गुंजन फार्म, जो पुणे से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस रिसॉर्ट तक पहुँचने का रास्ता किस तरह से आना है, और इस रिसॉर्ट से हमको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, और इस रिसॉर्ट में हमारे रहने, ठहरने, खाने पीने के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ गुंजन फार्म। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये जो रास्ता है सीधा जा रहा है वो है खड़कवासला पानशेत रोड। तो इस रोड से हम लोग आते हैं खड़कवासला से पानशेत की तरफ, तो हमको कुरन फाटा बोल की जगह आती है, तो वहाँ से हमको लेना है लेफ्ट टर्न। और यहाँ पर ये बोर्ड भी लिखा हुआ है जिसमें गुंजन फार्म, फार्म हाउस और कैंपिंग इस तरफ उसका एरो दिया हुआ है। फार्म का एंट्री एरिया, यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ऊपर रहने के रूम्स अवेलेबल है। तो रेस्टोरेंट के कुछ रूल्स है, यहाँ पर आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, यहाँ पर आप घर से खाना पकाकर नहीं ला सकते हो, और यहाँ पर इनका ही खाना खाना पड़ेगा। तो ये है ग्लैम्पिंग टेंट, इसमें 3 डबल बेड डाले हुए, 6 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे कूलर दिया हुआ है और फैन भी, टेंट में लाइटिंग अच्छी की हुई है। और यहाँ पर चार्जिंग, ये पॉइंट कितने दिए हुए चार्जिंग के? पॉइंट 2 है इसमें, एक्स्ट्रा किसी को लगता है तो हम डबल बोर्ड देते हैं, एक्स्ट्रा लगेगा तो देते हैं, दूसरा बोर्ड देते हैं। टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेंट है, और ये सारे टेंट एक जैसे ही है अंदर से, और आप टेंट में रहकर यहाँ का ये शानदार व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। जब बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा, सामने देख रहे हो, यहाँ पर पानी यहाँ तक आएगा नज़दीक तक। तो ये एक रूम का कैटेगरी है, रूम कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें एक बेड लगा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा गद्दे डाल देंगे तो यहाँ पर 4 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ का बाथरूम भी देखते हैं, बाथरूम भी काफ़ी साफ है। तो इस रूम में से हमको यहाँ से अभी खिड़की ओपन करते हैं, विंडो, यहाँ से व्यू दिखाई देगा और पेड़ किस तरह से हिल रहे उसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर हवा कितनी तेज़ चलती है, तो यहाँ पर रहने में कितना मज़ा आएगा। तो ये है यहाँ का खास मेन अट्रैक्शन, एटिक्स ड्यूप्लेक्स रूम है इसमें। तो आइए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम लोग ये एटिक्स अंदर से कैसे दिखाई देता है और कैसे होता है। तो ये है यहाँ का डबल बेड जहाँ पर आप सो सकते हो, और आइए यहाँ पर एक दिया हुआ है फैन, और वहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट, चार्जिंग के एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक छोटा सा वॉर कबर दिया हुआ है, ये छोटा सा बेसिन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी साफ है। इसमें एक गीजर दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हो, जिसकी वजह से 24 घंटा गर्म पानी रहेगा। और ये अभी ऊपर चलते हैं, तो ऊपर से ऊपर ये ऐसे व्यू है, ऊपर ये ऐसे गद्दा दिया हुआ है डबल, यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट, गुड नाइट का मशीन, और ये एक छोटा सा फैन भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये खिड़की में से व्यू कुछ इस तरह से आता है। तो अभी हम लोगों ने देखा एटिक्स,
और अब यहाँ पर है पॉट, अभी जो पॉट देखने जा रहे हैं तो ये है पॉट जो कपल के लिए, तो ये है पॉट यहाँ पर है कर, यहाँ पर आप यहाँ पर सामने चेयर वेयर डाल के बैठ सकते हो और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हो। तो इन पॉट में वॉशरूम नहीं है, यहाँ पर वॉशरूम कॉमन दिया हुआ है, तो ये है यहाँ का कॉमन वॉशरूम। तो अभी देखते हैं अंदर से कैसा है। तो ये है यहाँ का कॉमन वॉशरूम जो पॉट के साथ अटैच है। तो यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा बाथरूम है। ये एटिक्स के सामने यहाँ पर नीचे स्विमिंग टैंक दिया हुआ है। तो यहाँ की इनकी खासियत ये है कि इन्होंने एटिक्स के साथ स्विमिंग पूल, इसके बाद नीचे भी एक स्विमिंग पूल और उसके नीचे एक स्विमिंग पूल, ऐसे तीन स्विमिंग पूल दिए है। तो यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल में अच्छी प्राइवेसी है। तो ये है आउटडोर प्ले एरिया, यहाँ पर आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। ये वॉलीबॉल फुटबॉल ये सब नीचे रखा हुआ है, तो वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये है यहाँ के पॉट, अभी पॉट्स किस तरह से है, ये कपल्स के लिए पॉट्स बने हुए। तो आइए अभी हम लोग इसको अंदर से देखते हैं कि ये पॉट्स कैसे, अब इसमें रहना कैसे होगा। तो आइए ये बताते हैं अंदर से। तो पॉट्स ये सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो अभी चलो अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर तीन लोग आराम से रह सकते हो, लेकिन ये कपल के लिए बना हुआ है। इसके अंदर ये छोटा सा एक फैन दिया हुआ है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट, ये दो चार्जिंग के पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो और भी चार्जिंग के पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक लाइट भी दी हुई है रात को। तो यहाँ पर एक सामने ये लाइट दिया हुआ है और एक ये अंदर एक दिया है, और इसके पीछे की साइड में वहाँ पर एक लाइट दिया हुआ है, तो रोशनी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो रात को ये कुछ अलग ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पर बाई चांस बिजली चली जाती है तभी भी यहाँ पर इन्वर्टर परमानेंट रहता है, तो लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाईफाई की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर सभी जगह पर वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ पर वाईफाई भी मिलेगा सब जगह। तो शाम के टाइम पर यहाँ बाहर बैठकर एंजॉय करने के लिए चेयर्स दिए गए हैं, और शाम को आप यहाँ पर बाहर बैठकर यहाँ पर ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब मानसून आने वाला है तो पानी यहाँ तक आएगा सामने, तो खूब मज़े आएगी यहाँ आके रहने में मानसून में। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, देख सकते हो पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। आपकी कार यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हो कहीं भी बेफिक्र होकर। तो आप आइए, यहाँ पर कार बाइक सभी पार्क करने के लिए बहुत ही बड़ी जगह दी हुई है। तो ये देख रहे हो ये ऊपर है ट्री हाउस, तो ये बड़ा रूम है, यहाँ पर चार पांच लोग तो बेड पर ही सो सकते हैं, और नीचे गद्दे लगाकर यहाँ पे 10-12 लोग आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पर ये वॉशरूम भी अटैच है। तो वॉशरूम ठीक ठाक है यहाँ का, और आपको इस रूम से मिलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, और व्यू के साथ में यहाँ पर ये स्विमिंग टैंक। अभी फ़िलहाल पानी नहीं है लेकिन इसमें पानी होता है, जहाँ जब भी गेस्ट होते हैं तो यहाँ पर पानी होता है स्विमिंग पूल में। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया। आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पर रहते हो तो, क्योंकि यहाँ पर रात का डिनर आपको यहीं पर आकर खाना रहेगा, वो भी सेल्फ सर्विस। तो डिनर खाने की जगह कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स ये वो जगह है इस फार्म की, जहाँ पर सैटरडे और संडे के नाइट में यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर कराओके और यहाँ पे डीजे नाइट, यहाँ पे बॉन फायर, ये सभी कुछ यहाँ पर होता है सैटरडे संडे के अलावा। अगर आपका भी कुछ ग्रुप रहेगा तो आप यहाँ पर आओगे तो ये सब अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो देख सकते हो यहाँ पर किसी का पहले से ही बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, और ये बहुत ही प्यारी जगह है बर्थडे सेलिब्रेट करने, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर आप लोगों का कुछ ऐसे फंक्शन प्रोग्राम रहता है तो आपके लिए ये जगह बनी हुई है। अगर आपको कैंपिंग करना है, कैंप में रहना है, तो यहाँ पर पूरे कैंप लगा दिए जाते तो आप यहाँ पर कैंप में भी स्टे कर सकते हो। तो ये है यहाँ का कैंपिंग टेंट, ये है यहाँ का ऑफिस, अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने
आपको ये गुंजन फार्म दिखाया, ये फार्म का वीडियो आपको कैसे लगा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।